वालेकुम, वेलकम टू देसी खाना। आज मैं बना रहा हूँ मज़ेदार सी फोर स्टेट चिकन कढ़ाई। बहुत ही आसान, बहुत मज़े की रेसिपी है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चिकन लिया है, 1 किलो चिकन है मेरे पास, और इसको मैंने पानी इसमें डाला है 1 कप, और इसको मैं हाई फ्लेम पे इसको मैं गर्म करूँगा, और इसका जो यखनी है उसको मैं निकाल लूँगा। इसको ज़्यादा नहीं मैंने इसमें पकाना, जस्ट इसमें इतना करना है कि इसमें इसकी जो यखनी है वो उसमें निकल आए और चिकन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। इसको मैं ढक देता हूँ, तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए ढकूंगा। 5 मिनट के बाद मैं इसका जो यखनी है उसको मैं अलग कर लूँगा, उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ये ढकन इसका हटा देता हूँ। माशाल्लाह चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं ये जो यखनी है इसको मैं अलग निकाल लूँगा। यखनी मैंने ड्रेन कर ली है, और अब मैं नमक ऐड करूंगा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुछ देर चिकन फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगा। टमाटर मैं इसमें 4 यूज करूँ नॉर्मल साइज के। इनको मैंने इसी के क्यूब में काट लिया था। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगा। जीरा आधी चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, करी पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। इसको अपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह अपने इतना भूनना है। अब मैं इसमें सिरका ऐड करूंगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगा, और अब इसमें 1 सर्विंग स्पून दही का ये ऐड करूँगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है।
अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैं थोड़ी देर और भूनूंगा, उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर दूंगा। जी जैसा कि देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।